बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और लेक्चर नंबर 4, जी हाँ, हम लोग रेजोल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। ये जो लेक्चर है ये टोटली रेजोल्यूशन के मुताल्लिक होगा, टाइप्स ऑफ द रेजोल्यूशन, स्टैंडर्ड्स क्या हैं रेजोल्यूशन के, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ी सी स्लाइड ज़्यादा हैं मगर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग रेजोल्यूशन का जो टॉपिक है ना वो इधर आज हम लोग ख़त्म ही कर लें इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आप लोगों को लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो है ना आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए कोई मसला नहीं है, दोबारा वीडियो देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। रेजोल्यूशन की आज हम बात करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है? पिक्चर की शार्पनेस को जो है ना हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। आप ये कह लें कि आपके पिक्चर की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा फाइन है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन जब आप सीसीटीवी की बात करते हैं ना तो आप दो टर्म्स और भी सुनते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन एक लो रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन क्या होती है कि लाइक अगर आपने कोई पिक्चर खींची है वो उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा शार्पर है, क्रिस्पर है, सही है। आप ये कह लें उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा फाइन है, आपने जो जितने इवेंट्स आपने जितने जो एलिमेंट्स थे वो आपने अगर पिक्चर के अंदर पोर्ट्रे करवाने थे वो सारे के सारे आ गए। मैंने आप पिछले लेक्चर के अंदर जिक्र किया था, एक टर्म होती थी यूजेबल और एक टर्म होती थी फुल वीडियो इमेज। अगर फुल वीडियो इमेज आ गया है तस्वीर खींचने के बाद जो ओरिजिनल पिक्चर है उससे मैच हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी, जैसे कि आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये जो दो पिक्चर्स आपके सामने नज़र आ रही है ना, ये वाली यहाँ पे जो ये आप एक फॉरेस्ट की पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये जो दोनों आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं इसकी रेजोल्यूशन कितनी ज़्यादा हाई है। दूसरी टर्म जो थी वो थी लो रेजोल्यूशन। अगर पिक्चर की डिटेल फाइन ना हो, मतलब क्लियर नहीं है, उसके अंदर नॉइज़ ज़्यादा है, कुछ ऑब्जर्वेबल डिटेल्स आ रही हैं लाइक कुछ आइटम्स रिकग्नाइजेबल हैं कुछ नहीं है, उसको हम लो रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी वो कौन से आखिर फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है। पहली चीज़ क्वालिटी ऑफ द कैमरा, आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लाइक उसके अंदर एडिशनल फीचर्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ISP लगी हुई होनी चाहिए, कि उसके अंदर WDR भी होना चाहिए, वाइड डायनेमिक रेंज BLC होना चाहिए, बैकलाइट कंपनसेशन, उसके अंदर अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए, डिजिटल नॉइज रिडक्शन होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनहेंस्ड फीचर्स होने चाहिए जो कि क्वालिटी को मेंटेन करें, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सेंसर की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पिक्चर को कम लाइट में भी वो खींचने की काबिलियत रखे, एक अच्छा इमेज दे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द कैमरे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि ये मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CCTV के अंदर, अगर आप सर्वेलेंस सिस्टम की बात करते हैं तो अगर आपके पास डिस्प्ले डिवाइस ही नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मॉनिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको यूज़ इस वजह से किया जाता है ताकि जो है ना हम लोग जो कैमरा कैप्चर कर रहे हैं ना उसको हम देख सकें, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द मॉनिटर के हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल में जाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो ये है कि जब हम मॉनिटर की बात करते हैं ना क्वालिटी के हवाले से, तो फिर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो उसकी रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। इसके डिफरेंट, ये जो मॉनिटर होता है इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसकी प्राइसेस अलग होती हैं, टाइप्स होती हैं मॉनिटर की, ठीक है। तो हमारा जो गोल है ना वो क्या है, जब कभी भी हम मॉनिटर को बाय करें तो हमारे पास हाईएस्ट रेजोल्यूशन का मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आपके जो कैमरा है, अगर आपका जो कैमरा है उसकी रेजोल्यूशन मैच ना हो CCTV मॉनिटर के साथ, तो फिर क्या होगा, आप वो चीज़ें नहीं देख सकते जो आपका कैमरा दिखाना चाह रहा था, ठीक है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग आउट हो रही होगी, परफॉर्मेंस इन शॉर्ट ख़राब आएगी आपके पास, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, जब आप कभी भी आप मॉनिटर की सिलेक्शन के लिए जाएँ या उसको आप उसको चूज़ करें मॉनिटर को, तो क्या होगा, रेजोल्यूशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं बजाय इसके कि एक CCTV मॉनिटर भी आता है, ठीक है। जब आप CCTV सर्वेलेंस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो फिर आप CCTV मॉनिटर की बात करते हैं, आप नॉर्मल मॉनिटर्स की बात नहीं करते। मगर कुछ लोग हैं वो जो है ना बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़े से पैसे बचा लें और जो है ना हम लोग मॉनिटर ले लें, तो ये जो है ना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका कैमरा है ना वो बहुत अगर हाई रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, तो और आपका मॉनिटर जो नॉर्मल डेस्कटॉप मॉनिटर होते हैं वो क्या करता है, वो हिंड्रेंसेस क्रिएट करनी शुरू कर देता है, वो रुकावट पैदा करता है, स्मूथ इमेज स्मूथ परफॉर्मेंस आप जो है ना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, ठीक है।
उस जो उसकी वजह से क्या होते, क्या नुकसान आते हैं आखिर अगर हम वही यूज़ करें तो? आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, आप लाइसेंस प्लेट की रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आपको उसके अंदर मुश्किलात होंगी। आप अगर फेशियल आइडेंटिफिकेशन चाहिए, किसी का फेस रिकॉग्नाइज करना है, तो उसमें आपको मुश्किलात होंगी। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। और उसके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि जब जो सीसीटीवी मॉनिटर है ना, उसका मुकाबला अगर हम अपने आम डेस्कटॉप मॉनिटर के साथ करें, तो हम एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जो कंपनी है ना, जो वो मॉनिटर बना रही है, डेस्कटॉप मॉनिटर बना रही है, वो सीसीटीवी की तरह की जो टफ़ जॉब होती है ना, जो 24 घंटे सर्विलियंस चाहिए, तो वो सीसीटीवी जो आपका नॉर्मल मॉनिटर होता है, सॉरी, जो नॉर्मल मॉनिटर होता है ना, वो इसलिए इस मकसद के लिए बनाया भी नहीं जाता। ठीक है, तो यही वजह है कि टफ़ जॉब जो होती है ना सीसीटीवी के, उसके अंदर आपको 24 घंटे आपको सर्विलियंस चाहिए होता है, तो 24 घंटे आप अपने मॉनिटर, नॉर्मल मॉनिटर को नहीं चला सकते। ठीक है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो यही वजह है कि सीसीटीवी मॉनिटर को रेकमेंड किया जाता है, और कंपनीज़ ने सीसीटीवी मॉनिटर स्पेशली डिज़ाइन किया जो कि 24/7 काम करे और साल के 365 दिन काम करे। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है, बाज़ लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं हम मॉनिटर ले लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें साल के अंदर 3 मॉनिटर चेंज करने पड़ जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि वो एक ही मॉनिटर ले लें और वो सीसीटीवी मॉनिटर ले लें। ठीक है, अब सीसीटीवी मॉनिटर के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है? उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लाइक वो आपको मिलता है वीजीए के साथ, उसके इनपुट्स होते हैं, वीजीए होता है, एचडीएमआई होता है, डीवीआई, बीएनसी कनेक्शन, उसके अंदर सब चीज़ें मौजूद होती हैं। उसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है, लाइक आपकी जो नॉर्मल डेस्कटॉप है उसकी तरह ही है कि आप उसको दीवार पर टांग सकते हैं, हैंगिंग ऑन द वॉल, आप उसको प्लेस कर सकते हैं टेबल पे, मीन्स प्लेस ऑन द टेबल, आप उसको कहीं पर किसी भी रैक के ऊपर माउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो था ना, मतलब रेजोल्यूशन मॉनिटर के हवाले से, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया ताकि आसानी हो जाए आपको मॉनिटर की। तो क्वालिटी ऑफ द मॉनिटर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडिया, तीसरा जो फैक्टर है वो ट्रांसमिशन कैसी होनी थी, कैसी उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लाइक अगर आप इथरनेट की बात कर रहे हैं, तो इथरनेट पे क्वालिटी आपको पता है अच्छी होती है, आप कोएक्स पे कर सकते हैं, तो आपने क्वालिटी भी चेक करनी है कि जो आपकी ट्रांसमिशन है ना, जो जिसके थ्रू हो रही है, जिस मीडिया के थ्रू आपकी ट्रांसमिशन हो रही है, वो कैसी है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपने चेक करनी है कि क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, लाइक इथरनेट है, कोएक्स केबल है, वायरलेस है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, एक जगह पे, एक साइट पे, हम लोग जब मैं पाकिस्तान में था तो फिर मैं एक साइट पे काम कर रहा था, तो उसमें हम लोग ने सारी चीज़ें चेक कर ली। हम लोग ने देखा कि यार पिंग का रिप्लाई जब हम लोग चेक कर रहे थे, तो फिर सारी चीज़ें चेक कर ली हमने, ODU चेक कर लिया हमने, एंटीना चेक कर लिया हमने, हम लोगों ने डिवाइस चेक कर ली, हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम लोगों ने उसके सेटिंग्स करनी थी, SNR वगैरह सब हम लोगों ने चेक कर ली। भाई कोई मसला नज़र नहीं आया, हम लोग ने कहा ये आखिर मसला क्या हुआ, हम लोग ने सोचा क्यों ना केबल को ट्रेस किया जाए। केबल को ट्रेस किया गया तो पता चला उसमें 2 जगह बल्ब पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उससे भी आपकी इफेक्ट, स्पीड इफेक्ट हो रही थी, पिंग टूट रहे थे। ठीक है, तो ये इथरनेट वगैरह जो केबल होती है ना, उसके अंदर ये मसला होता है। आपने तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो क्वालिटी है ना, जो ट्रांसमिशन मीडिया, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना होने पाए। ठीक है, क्वालिटी जो जब आप ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं अपने डाटा की, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, जैसा कि कैमरे का आउटपुट निकला है वैसे ही रिसीव भी होना चाहिए। ठीक है, तो वायरलेस के अंदर अगर आप वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट करें, आपको पता है सिग्नल कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लॉस होने का खतरा है, तो आपको अपने ट्रांसमिटिंग मीडिया की क्वालिटी भी चेक करनी होती है किस तरह की क्वालिटी है। ठीक है, एक्टिव स्कैन लाइन, स्कैन लाइन क्या होती है? स्कैन लाइन ये वो लाइंस होती हैं जिसकी जिसकी वजह से ना आपके मॉनिटर की या आपके कंप्यूटर पे या आपकी टेलीविज़न के ऊपर पिक्चर बन रही होती है। ठीक है, अगर ये स्कैन लाइंस ना हो ना, तो पिक्चर ही ना बने। एक्टिव स्कैन लाइंस वो लाइंस होती हैं जो पिक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करें पिक्चर को बनाने में। ठीक है, अभी आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वाली आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली, तो ये वाली क्या है, ये जो ये जितनी भी लाइनों से ये बन रही है ना, ये स्कैन लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, ये स्कैन लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, ये स्कैन लाइंस कहलाती हैं। इसी तरीके से ये नीचे आप फुटबॉल वाली पिक्चर देख रहे हैं, ये भी जो है ना नंबर ऑफ स्कैन लाइंस ये बनी है। अब कुछ लाइनें अभी हम आगे चल के देखेंगे, कुछ लाइन्स ऐसी भी होती हैं जो हर लाइन ना वीडियो इन्फॉर्मेशन लाइन नहीं होती, कुछ लाइनें इनविजिबल हैं, तो वो एक्टिव स्कैन लाइंस नहीं हुई। एक्टिव स्कैन लाइंस वो होगी जिनकी मदद से ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, जितनी ये लाइंस नज़र आ रही है ये सारी एक्टिव स्कैन लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन की 2 टाइप्स हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग रेजोल्यूशन, डिजिटल रेजोल्यूशन, ये लें जी। अब हम बात करते हैं बारी बारी कि एनालॉग रेजोल्यूशन क्या है और डिजिटल रेजोल्यूशन क्या है। जब भी हम एनालॉग रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग टेलीविजन लाइन्स की बात करते हैं।
आप ये कह लें कि हम एनालॉग रेजोल्यूशन को मेजर किस तरीके से करते हैं, हम लोग टेलीविजन लाइंस के थ्रू मेजर करते हैं। हम लोग इसको सिंपली लाइंस क्यों नहीं कहते, हम लोग इसको टेलीविजन लाइंस क्यों कहते हैं? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस वक्त हैरान हो रहे होंगे कि सर ये पिक्सल्स की कहानी कहाँ चली गई। जब हम एनालॉग की बात करते हैं तो हम टेलीविजन लाइन की बात करते हैं, और जब हम लोग डिजिटल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो फिर हम लोग नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात करते हैं। जिस तरीके से अब दुनिया IPV4 से IPV6 की तरफ जा रही है, इसी तरीके से लोग अब एनालॉग से डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इधर थोड़ी स्पीड रैपिड है, इधर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है ट्रांजिशन की, उधर थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो एनालॉग रेजोल्यूशन को जो है ना हम लोग जो मेजर करते हैं ना वो टेलीविजन लाइंस में करते हैं। टेलीविजन लाइंस में क्यों करते हैं, हम लोग इसको सिंपली लाइंस क्यों नहीं कहते, यहाँ पे बात हो रही थी। शुरू शुरू के अंदर जब टेलीविजन इन्वेंट हुए तो उसकी जब रेजोल्यूशन मेजर की गई ना तो वो लाइंस में मेजर की जाती थी। ठीक है, इसी सेम स्टैंडर्ड को, इसी सेम आप ये कह रहे हैं फॉर्मूले को अपनाते हुए हम लोगों ने एनालॉग रेजोल्यूशन को भी मेजर किया। टीवी स्टैंडर्ड, ओल्ड टेलीविजन स्टैंडर्ड्स जो थे शुरू शुरू के अंदर, जो टेलीविजन स्टैंडर्ड्स थे उसी से ही ड्राइव होते हुए हम लोगों ने एनालॉग रेजोल्यूशन को मेजर किया। एनालॉग कैमरा, एनालॉग आप ये समझ लें एनालॉग वर्ल्ड के जितने भी कैमराज थे ना उनकी, यही वजह है कि हम लोग इसको सिंपल लाइंस नहीं कहते, हम लोग टेलीविजन लाइंस कहते हैं क्योंकि हम लोग सेम उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेलीविजन लाइंस है ना ये दो तरह की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन कहलाती है और एक वर्टिकल रेजोल्यूशन कहलाती है। आप ये कह लें एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जब हम हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना तो इसका मतलब है हम लोग वर्टिकल लाइंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल लाइंस का मतलब हो गया हाइट, हम हाइट की बात करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी तरह की रेजोल्यूशन हो गई वो हो गई वर्टिकल रेजोल्यूशन। वर्टिकल रेजोल्यूशन के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं जिसको हम विड्थ कहते हैं। ठीक है, आप ये बराबर में एक एस्पेक्ट रेशियो वाली पिक्चर देख रहे हैं जिसके जो रेक्टेंगल बनी हुई जिसके अंदर रेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की वजह से ये एक पिक्सल्स की शेप आ रही है आपके पास। ठीक है, जो कि ये पिक्सल्स नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है सिंपली। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लाइन स्पेसिंग क्या होती है। लाइन स्पेसिंग बेसिकली ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस या ये टेलीविजन लाइंस का जो कॉम्बिनेशन बन रहा होता है ना वो ऐसे बनता है, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, इस तरीके से बन रहा होता है। ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं, आपको मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये देख रहे हैं आप, ये री ब्लैक, ये री वाइट, फिर ये री ब्लैक, ये री वाइट, इस तरीके से ना ये कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, ये पूरा इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, एक ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको हम लोग स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्पेसिंग कहते हैं। तो और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करूँगा तो यहाँ तक ये जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना, इसको मैं कहूँगा स्पेसिंग। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये आपकी वर्टिकल रेजोल्यूशन हो गई, और जो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन हो गई। अब बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हमें हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन कहना चाहिए। तो अब आप ये चीज़ देखें कि अगर मैं बात करूँ, ये देखें, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन और ये पाँच लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो मैंने कहा वर्टिकल रेजोल्यूशन है। क्यों है वर्टिकल रेजोल्यूशन, क्योंकि जब हम लोग इसको काउंट करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, थ्री, ये हो गई फोर, ये हो गई फाइव, देख रहे हैं आप वर्टिकली काउंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये वर्टिकल रेजोल्यूशन होती है कि आप इसको काउंट कैसे कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग काउंट वर्टिकली करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की। मेरे ख्याल है हॉरिजॉन्टल तो आप लोगों की समझ में ही आ गया होगा। ये देखें, ये है गई दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, सॉरी फाइव का थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, इसको मैं कैसे नंबरिंग दे रहा हूँ, इसको मैं हॉरिजॉन्टली दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है। अब आप समझे कि जो है ना हम लोग वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग वर्टिकल रेजोल्यूशन क्यों कहते हैं, ये वजूहत है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन क्या होती हैं,
उसको वर्टिकल लाइंस कहते हैं, और जब वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो फिर वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, आप ये देख लेंगे, ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक ये आपकी हाइट कहलाती है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी विड्थ कहलाती है। ठीक है, बल्कि ये मेरे ख्याल है बना हुआ भी है, तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये चीज़, ये पूरी आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई विड्थ, और ये जो चीज़ है ना, ये हो गई आपकी हाइट। अब यहाँ लिखने की जगह नहीं है, तो बस एच से आप समझ जाएं कि ये हाइट है। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन समझ में आ गया, वर्टिकल लाइन समझ में आ गया। अब देखें, जब अब एक और चीज़, जब हम एनालॉग रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो दो हमारे पास लाइंस आती हैं, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब हम लोग टीवी रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी इस रेजोल्यूशन को यहीं पे छोड़ के मैं ज़रा आपको एक और बात बताने लगा हूँ। जब हम लोग टेलीविज़न लाइंस की बात करते थे ना, जब हम लोग टेलीविज़न की रेजोल्यूशन को चेंज करते थे, तो फिर हम लोगों ने एक चीज़ नोट की कि वर्टिकल रेजोल्यूशन को चेंज, सॉरी, वर्टिकल लाइंस को चेंज करने से रेजोल्यूशन में फ़र्क आता है टीवी की, या हॉरिजॉन्टल लाइंस को चेंज करने से। तो मालूम ये हुआ, जब हमने रेजोल्यूशन को चेंज किया, तब हमें ये पता चला जो वर्टिकल लाइंस है ना, जब उसके अंदर वेरिएशन आती है ना, तो आपकी रेजोल्यूशन कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये रेजोल्यूशन जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, वो डिपेंडेंट होती हैं बैंडविड्थ के ऊपर। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो रेजोल्यूशन अच्छी है, अगर बैंडविड्थ कम है तो कम रेजोल्यूशन है। ये जो मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना इस टाइम, ये मैं हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की, मतलब वर्टिकल लाइंस की, यानी मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एनालॉग रेजोल्यूशन के अंदर कौन सी लाइंस को अगर हम डिस्टर्ब करें तो रेजोल्यूशन में फ़र्क आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जी हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, मतलब वर्टिकल लाइंस, मतलब हाइट। ठीक है, विड्थ, आखिर विड्थ का क्या कसूर था भाई, कि विड्थ को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिलती? नहीं जी, विड्थ की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब कभी भी अगर आप विड्थ को निग्लेक्ट कर दें, तो या हॉरिजॉन्टल लाइंस को निग्लेक्ट कर दें, तो फिर अगर आपको कभी टोटल रेजोल्यूशन निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे? हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ही होती है ना टोटल रेजोल्यूशन, तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, असल में हम लोगों ने ये किया कि, मतलब हम लोगों ने नहीं, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुआ क्या इस बेचारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, क्या क्या हो गया। देखिए, दो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन हो सकती है ना हॉरिजॉन्टल की, वो फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल को कम और ज़्यादा करें और हमारी रेजोल्यूशन कम और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक ख़ास स्टैंडर्ड के तहत हॉरिजॉन्टल लाइंस को, मतलब वर्टिकल रेजोल्यूशन को फिक्स कर दिया। और वो कौन से स्टैंडर्ड्स दो, एक NTSC कहलाता है, एक PAL कहलाता है। NTSC आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने जिक्र किया था, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी, और PAL है जी फेज अल्टरनेट लाइन। ठीक है, ये दो कमेटी थी। NTSC की बात करते हैं तो फिर ये मेनली जो यूज़ होती है, ये वो नॉर्थ अमेरिका में मेरे ख्याल है यूज़ होती थी जी, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होती थी, और PAL जो है ना वो मोस्टली UK में यूज़ होती थी। ठीक है, NTSC की जब बात करेंगे ना, जब आपके पास NTSC का स्टैंडर्ड होगा, तो फिर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो 525 होंगी, लाइक 525 लाइंस होंगी, और इस चीज़ को हम लोग वर्टिकल रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, PAL की हम बात करते हैं तो उसके अंदर 625 लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, और वर्टिकल रेजोल्यूशन कहलाएगी वो भी। ठीक है, तो PAL आप लोग देख रहे होंगे कि PAL की रेजोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यही वजह है कि जब कभी भी आपके पास NTSC और PAL दोनों की सिलेक्शन आए ना, तो आप लोग PAL की तरफ जाइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन देखें ना, ज़्यादा नज़र आ रही है 625 लाइन में। ठीक है, मगर ऐसा हो नहीं सकता, कहीं पे अगर NTSC यूज़ हो रहा है तो आप उधर PAL कैसे यूज़ करेंगे। इसके बारे में मैंने आगे एक स्लाइड लगाई है, वो भी बड़ी बड़ी अच्छी स्लाइड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। तो दो स्टैंडर्ड्स भी समझ में आ गए, NTSC और PAL। अभी हम लोग ये देखेंगे आगे जाके कि ये जो NTSC है ना, और ये जो PAL की जो 525 और 625 लाइंस हैं, क्या ये सारी की सारी एक्टिव लाइंस हैं, सारी की सारी एक्टिव स्कैन्स लाइन नहीं है? इसके अंदर भी कुछ जो है ना मसले मसाइल हैं। तो जी बिल्कुल मसले मसाइल हैं इसके अंदर भी, ये इतनी आसानी से नहीं, सिर्फ 3-4 बातें बस हैं। अगर आप वो आप लोगों की समझ में आ गई, तो क्या फिर तो टॉपिक का मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं NTSC की और PAL की, ये जो लाइंस हैं हमारे पास। देखें जी, जब हम लोग NTSC की बात करते हैं ना, तो 525 जो लाइंस हैं
और जो पहल की 625 लाइंस हैं वो सारी की सारी ना हमारी वीडियो इंफॉर्मेशन लाइंस नहीं होती, वो सारी की सारी वीडियो इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर रही है तमाम लाइंस। तो देखें अब 525 लाइंस के अंदर, सबसे पहले मैं एनटीएससी की बात करता हूँ, 525 लाइंस के अंदर जो है ना 480 जो लाइंस होती हैं ना वो जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली, या आप ये कह लें 483 लाइंस जो होती हैं ना वो एक्टिव स्कैन्स लाइंस होती हैं, बाकी की जो होती हैं ना वो रीट्रेसिंग के लिए यूज़ होती हैं। रीट्रेसिंग अगर आपको पिछला लेक्चर याद है, पिछले से पिछला या पिछला लेक्चर अगर आपको याद है, तो जब हम लोग लेंस के बात कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था रिट्रेसिंग क्या होती है। जब आपकी दो तरह की रिट्रेसिंग होती है, एक वर्टिकल रिट्रेसिंग और एक हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग। वर्टिकल रिट्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से आप वर्ड के ऊपर कुछ लिख रहे हो और आपका एक पेज ख़त्म हो जाए और आप दूसरे पेज पे इंटर मार के जाते हैं, तो इसी तरीके से ये वर्टिकल रिट्रेसिंग होती है कि एक फ्रेम ख़त्म हो जाए, जब वो वापस नए फ्रेम पे जाए, मतलब नई पिक्चर के ऊपर जाए और स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाए, दैट इज़ कॉल्ड दी वर्टिकल रिट्रेसिंग, यानी फ्रेम टू फ्रेम चेंज हो, एंड से नए वाले फ्रेम की न्यू पोजीशन पे चला जाए, स्टार्टिंग पोजीशन पे। हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग क्या होती है, अगर एक लाइन ख़त्म हो जाती है, जैसे आप लिख रहे हैं वर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, आपकी लाइन ख़त्म हो जाती है, आप इंटर मारते हैं, आप सेकंड लाइन पर आ जाते हैं, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग के अंदर क्या होता है, जब एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो वापस सेकंड लाइन की फर्स्ट पोजीशन पर जो आता है उसको हम हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रेसिंग के लिए भी कुछ फील्ड लेता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए लेता है और दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहा होता है लाइन, वो कितनी लेता है। अच्छा अब आपको एक और बात मैं बताऊं, यहाँ पे मेरे ख्याल है गालबन आप लोगों को पता भी है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग सेंसर्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ऑलमोस्ट रिपीट हो रही हैं। मैं इसीलिए सोच रहा था, मैंने इसीलिए बल्कि सोचा था कि जो है ना शुरू में अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाए ना तो बाद में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, फेसबुक के ऊपर और मुझे वैसे भी कुछ पर्सनल कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है ना कि सर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो भाइयों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सीसीटीवी है ना, इसका एक सॉफ्टवेयर है जो वीडियो कैड के नाम से आता है, ठीक है, मगर वो लाइसेंस्ड होता है, ठीक है, उसको ख़रीदना पड़ता है, उसको परचेज़ करना पड़ता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो भी हम यूज़ करेंगे आखिर में, इन दी एंड ऑफ दी सीसीटीवी, ठीक है। मगर मेनली जो सीसीटीवी की इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वो आपकी ऑटो कैड के ऊपर होती है, ठीक है। जब आप मिडिल ईस्ट वगैरह के ऊपर, जब आप मिडिल ईस्ट वगैरह में की बात करते हैं ना, तो फिर आप वो लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग की ना वो ऑटो कैड ड्राइंग्स सबमिट कराते हैं, जिसको हम लोग लेआउट्स कहते हैं, ठीक है, वो सबमिट कराते हैं, उसके ऊपर एवेल्यूएशन होती है, उसी के ऊपर होती है, मतलब लाइक उसको A4 कह रहा हूँ, A0 पे या A1, A2, A3 इन सब पेपर फॉर्मेट्स के ऊपर वो लोग ड्राइंग्स को प्रिंट करवाते हैं, उसके ऊपर एवेल्यूएशन होती है, नंबर ऑफ़ कैमराज देखे जाते हैं, पोजीशन देखी जाती है मैनुअली बाय हैंड्स, ठीक है, फिर उसके ऊपर कमेंट्स लिखे जाते हैं, तो इस तरीके से होता है। मेनली अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए वीडियो कैड यानी कोई सॉफ्टवेयर आपने देखना हो कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनता है, फील्ड ऑफ व्यू का जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसर को चेंज करते जाएँ तो कैसे रेजोल्यूशन पे इफेक्ट होता है, तो ठीक है वो भी हम देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, मगर मेनली ऑटो कैड जो है ना वो मेन है, इसके ऊपर ड्राइंग्स वगैरह सब बनती हैं, कैमरा लगाया जाता है, फील्ड ऑफ व्यू बनाया जाता है और समथिंग लाइक दिस, वो डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑटो कैड तो मुश्किल है कि ऑटो कैड हम यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ऑटो कैड का मसला ये है कि ऑटो कैड को इस तरह से बीच से बताया नहीं जा सकता कि जो है ना कि ये कैमराज हैं और ये है वो है, आप यूँ लगा लें, ये कर लें, ये होता है वो होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटो कैड इट सेल्फ एक बहुत बहुत ह्यूज जो है ना आप ये कह लें कि ऑप्शंस वाला जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। खैर वो अभी हम आगे देखते हैं, तो हम लोग बिल्कुल यूज़ करेंगे मगर कुछ लेक्चर्स के बाद, जिस वक्त हमारे पास कंप्रेशन टेक्निक समझ आ जाएगी, जिस वक्त हमें स्टोरेज कैलकुलेशन आ जाएगी, हमें आईपी सिस्टम समझ में आ जाएगा, सर्वेलेंस सिस्टम, ठीक है, तो थोड़े से बहुत लेक्चर अभी बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसी तरफ ही जाएंगे, ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके ऐसे जान नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलें जी आगे चलते हैं, हम लोग एनटीएससी और पहल की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि टोटल 525 लाइंस होती है, उसके अंदर 625 लाइंस होती हैं पहल के अंदर, मगर ये सारी की सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन लाइंस नहीं होती, कुछ लाइंस जो है ना इनविजिबल होती हैं, और वो कहाँ यूज़ होती हैं, वो रिट्रेसिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती हैं, कुछ सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं, सिंक का भी आपको पता ही है, ठीक है, 0 से लेके 0.3 तक के जो वोल्ट्स होते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन होती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें जो आपकी 580 है ना, तो सॉरी 580 कह रहा हूँ, 525 जो है
ये चले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखें ये आ गई जी 525 माइनस 21 प्लस 21, ठीक है ये हो गई जी। आप ये कह सकते हो कि 525 माइनस 42 इज इक्वल टू 483। अब ये 42 क्या है, ये जो 42 है ना ये मैंने आपको बताया था अभी रिट्रेसिंग लाइंस यूज़ करते हैं, ये जो है ना ये नंबर ऑफ इनविजिबल लाइन है, ठीक है ये है आपकी जी इनविजिबल लाइंस, ठीक है इनविजिबल लाइंस है यानी ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ये जो 42 लाइंस है ना ये नज़र नहीं आएंगे। अच्छा एनालॉग सिस्टम जो है ना वो यूज़ करता है, एनालॉग सिस्टम जो है ना वो यूज़ करता है आपके इंटरलेस्ड स्कैनिंग, और जो आईपी सिस्टम है ना वो इंटरलेस्ड सॉरी वो करता है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, ठीक है। इंटरलेस्ड के अंदर मैंने बताया था एक ऑड फील्ड होती है एक इवन फील्ड होती है, ठीक है तो ऑड के लिए ये 21 फील्ड को यूज़ करता है 21 लाइंस, और इवन के लिए ये 21 लाइंस को, तो ऑड और इवन जब मिलते हैं तो फिर एक फ्रेम बनता है, ठीक है एक फील्ड बनती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं 21 प्लस 21 ये क्या हो गया 21 और 21 इवन, तो ये दोनों मिला के बन गई 42, और जब हम इसको माइनस करते हैं तो फिर 483 लाइंस जो है ना आपकी विजिबल होती हैं, सही है 525 ये स्टैंडर्ड 525 लाइंस के ऊपर टोटल मुश्तमिल होता है जिसके अंदर से 42 लाइंस अदर इन्फॉर्मेशन के लिए चली जाती है आप ये कह लें, और वो किसके लिए जाती है मैंने अभी बताया आपको कि रिट्रेसिंग के लिए चली जाती हैं, सिंक के लिए चली जाती हैं, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए चली जाती हैं, इसको हम माइनस करते हैं तो 483 विजिबल होती हैं। अब 483 जो है क्या ये सारी की सारी विजिबल हो जाती हैं, एक कैल्स फैक्टर है सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बल्कि एक मिनट में देखूँ आगे अगर आगे है इसका जिक्र किया है मैंने नहीं, तो कैल्स फैक्टर है एक कैल्स भाई साहब थे उन्होंने ये कहा कि यार जब कभी भी कोई भी पिक्चर बनती है ना तो 30% जो उसकी रेजोल्यूशन होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है। तो बोला भाई 30% क्यों हो जाती है 25 क्यों नहीं होती 40 क्यों नहीं होती, तो भाई वो कहता है कि पिक्चर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है मगर मेनली जो जर्नली होती है ना वो 30% लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ये अगर मैं आपसे मैं बात करूँ ये अगर मैं ये देखें अगर ये देखें मैंने एक लाइन खींची ये दो लाइन तीन लाइन चार पाँच छः सात, अब आप एक चीज़ नोट करें इस लाइन की अपनी एक डिस्क्रीट विड्थ तो है ना, ये देख रहे हैं ये जो विड्थ है इस लाइन की, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूँ सपोज करें ये कितनी मोटी सी लाइन है, ठीक है ये इसकी विड्थ तो है ना, इस विड्थ के अंदर भी आधी मतलब 30% की जो लॉस हो रही थी ना आपकी रेजोल्यूशन वो इसकी वजह से भी हो जाती है, मतलब हर लाइन की अपनी एक डिस्क्रीट विड्थ तो है उसकी एक अपनी मोटाई तो है ना लाइन की, तो उसकी वजह से भी ना आपकी कुछ हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है ना जो सॉरी अप्रॉक्सीमेट 30% इंफॉर्मेशन वो मिस हो जाती है, कैल्स फैक्टर ये कहता है। तो अब ये देखें अगर मैं ये कहूँ कि कैल्स फैक्टर ये कहता है कि 483 लाइंस जो विजिबल हैं सॉरी मैं आपको एक मिनट मैं थोड़ा सा मिटा लूँ ये थोड़ा सा हाँ अब देखें अब अगर मैं बात करूँ 483 मेरे पास टोटल विजिबल लाइंस थी, ठीक है ये मैं वी एल से डिनोट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 0.7 करूँ तो ये मेरे पास टोटल रेजोल्यूशन आएगी जो मुझे स्क्रीन पे दिखेगी, क्यों? क्योंकि 30% तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही लॉस हो गई, ठीक है ये मेरे ख्याल है कुछ 350 प्लस रेजोल्यूशन बनती है, और अब ये कोई कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैं कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करूँ आप लोग खुद ही कर लेगा आप लोग देखिएगा कि इसकी क्या रेजोल्यूशन बनती है, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल है 360 के करीब कुछ राउंड अबाउट ऐसे ही बनती है, ठीक है तो यहाँ पे जो है ना आप लोग लिख लेगा कुछ 300 में से बनेगी कुछ 360 समथिंग बनेगी, ठीक है ये आप कंफर्म कर लेगा इसको मल्टीप्लाई करके, आपको समझ में आ गई कि 0.7 ही मैंने क्यों लिया है, मैंने 0.1 ओ सॉरी 100% क्यों नहीं ली क्योंकि 30% जो है ना वो लॉस हो जाती है, 30% लॉस हो जाती है बाय कैल फैक्टर, ठीक है जी 30% लॉस हो जाता है कैल फैक्टर के थ्रू। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे मैं बात करूं आप इधर आ जाए तो 625 माइनस 42 तो ये आ गई आपके पास 3 और 1 8 और ये आ गया आपके पास 5,
ठीक है, 583 लाइंस। 583 लाइंस को जब आप 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये पहल की रेजोल्यूशन आ जाएगी कि इतनी परसेंट, इतनी जो लाइंस है ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ़ द लाइंस हैं, ये आपकी विजिबल लाइंस होंगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो देख रहे हैं वर्टिकल रेजोल्यूशन कैसे हो जाती है, वर्टिकल रेजोल्यूशन। तो ये चक्कर है। अब एन टी एस सी समझ में आ गया, नंबर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल क्यों वर्टिकल क्यों नहीं लेते। तो फिर हम देखें, अब जब कभी भी कैमरे की आपके पास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आती है ना, सॉरी, कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन होती है ना, डाटा शीट जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास आएगी, अगर एनालॉग आप देखें ना, तो आपको पता चलेगा उसने सिर्फ एक रेजोल्यूशन का जिक्र किया होगा, और वो रेजोल्यूशन जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन कहलाती है, वो वर्टिकल नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है आपके वर्टिकल रेजोल्यूशन जो है ना, वो कैप हुई हुई है इन दोनों स्टैंडर्ड से। आपको पता है मैक्सिमम रेजोल्यूशन हो ही इतनी सकती है 525 और 625 लाइन्स। सो लिहाजा उस रेजोल्यूशन को हमें, और उस रेजोल्यूशन की वजह से हमारे पिक्चर रेजोल्यूशन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, वर्टिकल रेजोल्यूशन की वजह से हमारे इतना ज़्यादा पिक्चर पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेनली जो फोकस करती है वो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन करती है। यही वजह है कि आप जब कभी भी कैमरे की डाटा शीट उठाएंगे ना, तो आपको यू मिल रही होगी, लाइक 400 TVL, 500 TVL, 600 TVL, एक ही रेजोल्यूशन देगा, और वो रेजोल्यूशन आपकी हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन कहलाती है, लाइक वर्टिकल लाइंस कहलाती है, वो हाइट कहलाती है। ठीक है, और वो जो हाइट है ना, वो इफेक्ट होती है आपकी बैंडविड्थ के साथ। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए जी डिजिटल रेजोल्यूशन। यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं है। अब देखें डिजिटल रेजोल्यूशन क्या थी, जब हम लोग एनालॉग, अच्छा, हम लोग एनालॉग रेजोल्यूशन को, हम लोग अगर मैं कहूँ तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस एनालॉग रेजोल्यूशन की बात करें, तो क्या कॉन्सेप्ट आता है जहन में, TVL का, टेलीविजन लाइंस का। हम लोग इस टेलीविजन लाइंस को कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स में, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मेगा पिक्सल्स में। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे ही एक बात मैं और बता दूँ, वो कि आगे बतानी चाहिए, मगर यहीं पे ही मैं बता देता हूँ, जिक्र निकल गया मेगा पिक्सल का। अगर कोई भी ऐसा कैमरा जो 0.4 मेगा पिक्सल का हो, 0.6 का हो, लेस देन 1 मेगा पिक्सल का हो, मगर 0.1 मेगा पिक्सल से ज़्यादा का हो, ठीक है, 0.1 से 0.9 के दरमियान हो, तो वो कैमरा मेगा पिक्सल कैमरा नहीं कहलाता। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ₹1 है या ₹1 से ज़्यादा है, तो फिर आप ये कह सकते हो मेरे पास ₹2, मेरे पास ₹1.50, मेरे पास ₹1.25, या इस तरीके से। ठीक है, तो एटलीस्ट ₹1 से, ₹1 तो है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ आपके पास कितने पैसे हैं, और आप ये कहेंगे यार मेरे पास ₹0.3 हैं, तो ये कोई लॉजिकल सेंस दे रही? क्या वो रुपये के बराबर कह सकते हैं आप उसे? नहीं। इसी तरीके से अगर कैमरा मिनिमम 1 मेगापिक्सल है या उससे ज़्यादा, तो फिर आप उसको मेगापिक्सल कह सकते हो। जब कभी भी रेजोल्यूशन आपकी नंबर ऑफ पिक्सल्स में होगी, तो वो चीज़ डिजिटल तो होगी, मगर वो मेगापिक्सल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, मगर मेगापिक्सल वाली चीज़ वो डिजिटल ज़रूर होगी। आप समझ गए रिलेशन? तो एनालॉग रेजोल्यूशन को भी हम लोग उठाते हैं, हम लोग डिजिटल में करते हैं। डिजिटल में क्यों करते हैं? ताकि जो है ना, हमारे पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स आ जाए, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को समझना और उसकी, आप ये कह लें कि जो है ना, उसकी इवेल्युएशन वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि TVL लाइंस में। जितनी ज़्यादा TVL लाइंस होंगी ना, उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, अब एक कैमरे की, एक एनालॉग कैमरे की मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितनी हो सकती है? 700 TVL तक हो सकती है, 700 TVL से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 700 TVL भी अगर कोई कैमरा प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो भी मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मगर मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, वो इतना ज़्यादा आपकी आई साइट को इतना ज़्यादा जो है ना, पता नहीं चलता, मगर होता है। ठीक है, फ़ायदा देखते हैं। आगे डिजिटल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। डिजिटल रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम नंबर ऑफ़ पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स के अंदर जो है ना, आप लोगों को किस तरीके से नंबर्स गिवन होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे, वो कुछ जो है इस तरीके से होते हैं, 600 × 480। तो ये जो पहले वाले होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये दूसरा वाला जो होता है ये वर्टिकल होता है। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है उस तरह की, एनालॉग की तरह की, भाई वर्टिकल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल की हो रही है, हॉरिजॉन्टल की करें तो वर्टिकल की हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल पहले वाला जो है ना, ये रोज़ होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं, सही है। जैसा कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ज़माना याद हो, तो फिर उसके अंदर हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़े थे। ठीक है, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक था वो। ठीक है, तो रोज़ ये हाइट इंटू, या आप रोज़ इंटू कॉलम्स कह लें, या आप
ये आप ये कह लें कि जो है हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, ये होती हैं, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास टोटल रेजोल्यूशन आ जाती है आपके पास, ठीक है। लाइक इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ ना, ये 600 मल्टीप्लाई बाय 480 मैं करूँ ना, मेरे पास टोटल रेजोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक TVL मैक्सिमम कितनी होती है, 700 होती है, ठीक है, 700 वैल्यू होती है, ये कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मगर मैं ये कैसे जान लूँ कि एक कैमरा अगर 700 TVL दे रहा है तो आया वो तमाम TVL की इन्फॉर्मेशन वो डिजिटल में हो पा रही है कि नहीं। देखें पिक्सल, पिक्सल्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपके इमेज का, ठीक है। पिक्सल स्टैंड फॉर क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं पिक्सल पिक्सल पिक्सल, पिक्सल स्टैंड फॉर क्या है, PIX जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है पिक्चर को, और EL जो है ना एलिमेंट को, तो पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। अब जब हम लोग जिस तरीके से, आपको पता है रेजोल्यूशन दो टाइप्स की होती हैं, एक एनालॉग कहलाती है एक डिजिटल कहलाती है, इसी तरीके से रिकॉर्डर भी बस दो ही तरह के होते हैं, एक आपका DVR कहलाता है और एक आपका NVR कहलाता है। DVR कहलाता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, इसका मैंने एसएच, मेरा नहीं ख्याल कि इसका मैंने जिक्र करा है, नहीं करा है, ठीक है ना। तो इसका इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि इसके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर है, ठीक है, तो वो मैं दूंगा, इसके मेरी कोशिश होगी कि इसके बाद तो नहीं, दो तीन नेक्स्ट लेक्चरों में जो है ना आपके ऊपर फिर रिकॉर्डर्स का भी लेक्चर होगा, ठीक है। तो एक चीज़, एक टर्म होती है DVR, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल वीडियो, और ये जगह नहीं है असल में, ठीक है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो है ना, ये जो यूज़ होता है ना, ये सिर्फ एनालॉग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो आपका NVR होता है, दूसरा क्या चीज़ हो गई, दूसरी हो गई जी NVR, ये चीज़ आपकी कहलाती है नेटवर्क वीडियो, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। ये चीज़ जो है ना आपकी डिजिटल के लिए यूज़ होती है, या आप ये कह लो कि IP के लिए यूज़ होती है, और ये वाली एनालॉग के लिए। तो जब कभी भी एनालॉग आएगा आप समझ जाएंगे DVR यूज़ होगा। जब आपके एनालॉग कैमरे से आउटपुट निकलता है ना, वीडियो आउट निकलता है, तो वो जब DVR तक जाता है ना, वो किसके थ्रू जाता है, वो कोएक्सियल केबल के थ्रू जाता है। कोएक्सियल केबल ये वही है जो ईथरनेट केबल से पहले जब आपके डाटा ट्रांसमिट हुआ करता था तो वो कोएक्सियल पे ही हुआ करते थे, ठीक है। आपने कभी अपने टेलीविज़न की वायर देखी हो, पीछे से लीड देखी हो, जो केबल नेट वगैरह की, सॉरी केबल TV की होती है, वो कोएक्सियल ही होती है, ठीक है। अब ये DVR करता है क्या, ये सिंपली उठाता है उस एनालॉग रेजोल्यूशन को, उठाता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको कंप्रेस करता है ताकि कम स्पेस जो है ना रिक्वायर्ड हो, इस कंप्रेस करता है और फिर उसके बाद उसको सेव कर लेता है। DVR ये करता है। हमारा कैमरा कितनी रेजोल्यूशन को मैक्सिमम प्रोवाइड करे कि हमें एक अच्छा से अच्छा इमेज नज़र आ जाए, जितना आपका रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सकता है, अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपका रिकॉर्डर ही 200 TVL से ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता उस रेजोल्यूशन को, तो आप अगर अपना कैमरा 700 TVL का लगा दें तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। मगर मेरी नज़र में, मैं ये समझता हूँ और मैंने एक दो जगह पे पढ़ा भी और मुझे बड़ा कन्विंसिंग आंसर लगा, कि अगर आप 700 TVL का कैमरा लगाते हो, जो कि मैक्सिमम है, वो भी मैं ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा हूँ, कैमरे की थोड़ी कमी TVLs होती हैं आपको पता है क्यों, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं दे पाता जितनी एनालॉग का जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना वो देता है, रादर इसके कि एनालॉग कैमरा जो कलर है वो दे कलर। इसी तरीके से अगर आप कलर मॉनिटर की बात करते हो और ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर की बात करते हो, तो ब्लैक एंड वाइट की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसको कोई कलर ही रिक्वायर्ड नहीं है, उसको तो कोई भी लाइट मिलेगी वो रेजोल्यूशन दिखा देगा, तो इसके मतलब ये हुआ, मतलब पिक्चर दिखा देगा, तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट में कोई कलर रिक्वायर्ड नहीं है, बस जितनी भी लाइट मिलती है वो कोई ना कोई इमेज दिखा देता है, जबकि कलर के लिए स्पेसिफिक कलर रिक्वायर्ड होंगे तो इसीलिए उसको थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम होती है उसकी ब्लैक एंड वाइट के मुकाबले में। मल्टीपल कलर्स चाहिए तो 560 TVL या 700 TVL, ठीक है, 700 TVL और 540 मेरे ख्याल है, 540 या 500 TVL, क्योंकि एनालॉग पे यहाँ पे इतना ज़्यादा काम है नहीं, तो मेरे ख्याल ये थोड़ी सी वैल्यूज वेरी वेरी भी होती हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप स्पेसिफाई हो जाएं, आप जो है ना बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए कि बस यही वैल्यू सर ने बताई है तो यही होगी, नहीं, थोड़ी सी वेरिएशन होती है, मगर ये 500 से 540 तक जो है ना आपकी कलर होती है, और 700 TVL तक जो है ना आपकी जाती है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हाँ जी, हम लोग डिजिटल रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे। ये तमाम रेजोल्यूशंस, ये वो रेजोल्यूशन हैं जो एनालॉग टेलीविजन लाइंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर हमारे पास क्या आ जाती हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाते हैं।
ये जो DVR जब आपको रिकॉर्ड करके देता है ना वीडियो को, तो फिर वो नंबर ऑफ पिक्सल्स में रिकॉर्ड करता है, वो TVL में नहीं करता। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा साफ कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखें डिजिटल रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। अब देखें टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन होती किस किस तरह की है। जो आपकी DVR में होती है ना, वो CIF, 2CIF, 4CIF और D1 होती हैं। CIF क्या है? कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट है, ये सारे रेजोल्यूशन हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, कन्वर्जन भी है कि नंबर ऑफ पिक्सल से TVL में कैसे करते हैं और TVL से पिक्सल्स में कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। ये देखें, अब ये आपके सामने दो इमेजेस हैं, एक मेगापिक्सल का इमेज है और एक एनालॉग का इमेज है। तो आप ये देख रहे हैं लो लाइटनिंग कंपैरिजन के अंदर एनालॉग जीत गया है मेगापिक्सल से। इसीलिए यही वजह है कि मेगापिक्सल कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाया एनालॉग को, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट के अंदर कैमरा बेचारा, जो मेगापिक्सल कैमरा है वो तो ऐसा इमेज देता है। ठीक है, इवन इसके अंदर IRs लगी हुई हैं, मगर एक एनालॉग है वो देखें आप, IR में आपको नज़र आ रहा है कि जो है कितना ज़बरदस्त एक इमेज दे रहा है। ठीक है, और मज़े की बात मेगापिक्सल की अगर आप बात करते हो ना, तो वो नीचे देखें इसमें $1200 भी लिखा हुआ है। ये $1200 क्या, और इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन दे रहा है वो, $80 का कैमरा है। और ये देखें रेजोल्यूशन देखें इसका। ठीक है, मगर मगर इसकी सबसे बड़ी बुराई क्या है, जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन ना वो इसके अंदर वो है D1 रेजोल्यूशन, जो 720x480 आप देख रहे हो। ठीक है, एनालॉग की सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी, जो ड्रॉबैक था इसका वो सबसे बड़ा ये था कि इसके अंदर जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन थी ना वो थी 0.4 मेगापिक्सल तक, बस वहाँ पे एनालॉग की दुनिया ही ख़त्म हो गई, उसके बाद बनी नहीं। उसके बाद जब ये आने शुरू हुए तो VGA फॉर्मेट्स आए, और फिर उसके बाद मेगापिक्सल आ गया जो कि आपका डिजिटल है। और जब हम डिजिटल की बात करते हैं, जब हम IP रेजोल्यूशन की बात करते हैं या IP सर्वेलेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो उसकी तो रेजोल्यूशन स्टार्ट ही 1 मेगापिक्सल से होती है और जाती है सेवरल मेगापिक्सल तक। ठीक है, इवन मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसने 10-10 मेगापिक्सल के कोई 10 कैमरे लगाए हुए थे छत के ऊपर, वो जो है ना पूरी बिल्डिंग का, पूरे होटल का जो है ना वो दे रहा है, ओवरव्यू चाहिए था क्लाइंट को। हमने कहा भाई लगा दो फिर 10 मेगापिक्सल, यार कोई बड़ी चीज़ है। और मज़े की बात मैं आपको एक और बात बताऊं कि 10 मेगापिक्सल का उसने सेंसर यूज़ करा हुआ था, ये जो रेजोल्यूशन होती है सेंसर की होती है, आगे उसने 1 मेगापिक्सल का लेंस यूज़ करा हुआ था, वो इमेज ही वो वाली क्वालिटी नहीं आ रही थी जो आनी चाहिए। मैं खुद परेशान हो गया, मैंने कहा यार 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये इमेज कैसा आ रहा है। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसकी डाटा शीट चेक की, डाटा शीट के अंदर नहीं था, तो फिर डिस्ट जो उसका जो मैन्युफैक्चरर थे जब उनको मेल की, तो फिर उन्होंने बताया कि इसके अंदर वो लेंस का मसला हो सकता है। हमने कहा भाई चेंज करो यार। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है, मगर ज़रूरी नहीं होता कि हर केस में, मगर कुछ सिनेरियो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो अब ये देखें आप, इसके बाद D1 तक रेजोल्यूशन 720, 704, 704, और ये देख रहे हैं 240, 480, 480, 480। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लाइंस कितनी होती हैं, 480 होती है। ठीक है, 483, कुछ लोग ये कहते हैं 480 से 486 तक आप वेरिएशन देखेंगे, वो कुछ लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, 480 रेजोल्यूशन देख रहे हैं ना आप ये, तो CIF, 2CIF, 4CIF और D1। सही है, D1 जो है ना 4 टाइम्स होती है आपके CIF की। अब ये देख लें आप, जब आपके पास एक स्क्रीन है ये वाली, ठीक है, एक स्क्रीन है ये वाली आपके पास, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ। सपोज़ करें आपके पास ये एक पूरी स्क्रीन है, ये पूरी, ये जो यहाँ पे शो हुई भी है ना, ये पूरी। ठीक है, अब ये जो है ना QCIF है, ये CIF का क्वार्टर है, ये जो रेजोल्यूशन है ना इसका क्वार्टर रेजोल्यूशन ये इतनी सी आ रही होगी। ये अक्सर और बेशतर ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है, जब कभी भी आपने अपने सर्वेलेंस सिस्टम को जो है ना QCIF में देखना हो तो फिर ये यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इसकी टेंशन नहीं लें कि ये डिजिटल की रेजोल्यूशन आई कहाँ से, बस आप ये देख लें कि जब ये जो रिकॉर्डर होता है, जब हम लोग एनालॉग कैमराज को कोएक्सियल वायर के थ्रू जब हम लोग DVR पे टर्मिनेट करते हैं ना, तो फिर DVR जो है ना उसको डिजिटल में करता है, क्योंकि आपने पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था डिजिटल जो है ना उसके अंदर स्मार्ट सर्चिंग भी होती है, उसके अंदर हम लोग रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है हमारी, उसके अंदर जो है ना ज़्यादा स्मार्ट ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा डिजिटल जो है ना, आप एनालॉग को रखें और डिजिटल को रखें, तो डिजिटल की जो उसको मैं क्या कहूँ कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है लंबे अरसे तक, बनिस्बत इसके कि आप एनालॉग की बात करें। ठीक है, एनालॉग कुछ अरसे बाद आपके घर में कभी आपने शुरू में VCR अगर यूज़ करो, तो जब आप कोई फिल्म वगैरह देखते थे तो उसके अंदर क्या होता था कि एक सर्टेन अरसे, एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है ना वो मतलब उसकी रील जो होती थी या जो मूवी होती थी वो सही नहीं चलती थी, तो उसके अंदर कुछ
लकीरें आनी शुरू हो जाती थी, उसकी रेजोल्यूशन सही नहीं रहती थी, पिक्चर क्वालिटी उसकी डिफॉर्म होना शुरू हो जाती थी। मगर जबकि आप यूएसबी में कोई, आप अपनी यूएसबी को देख लें, कोई यूएसबी में डाटा रख दें, कोई वीडियो रख दें, आप उसको 1 साल बाद भी चलाएं, अगर उसके अंदर वायरस नहीं हो तो फिर वो बिल्कुल फिट चलती है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था डिजिटल में करने का, तो इसी वजह से डिजिटल में रखी गई। उसके अलावा डाटा कंप्रेशन जो है ना ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत एनालॉग के डिजिटल में। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो मैंने पहले लेक्चर के अंदर ही इंट्रोडक्शन में जिक्र किया हुआ था, वो होपफुली आपको याद है, नहीं याद है तो दोबारा जाके देख लें, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, एनालॉग, सॉरी एनालॉग की बात करूँ, ये QCIF की मैंने बात की। तो QCIF में क्या है कि QCIF यूजुअली जो है ना वो फिक्स रेजोल्यूशन होती है, सही ना, क्वार्टर होती है किसकी, CIF की, और ये मोबाइल या सेल फोन्स व्यूइंग के लिए यूज़ होती है। जब कभी भी आपने अपने CCTV सर्विलियंस को, CCTV कैमरा को अगर आपने मोबाइल पे देखना हो तो फिर आप QCIF रेजोल्यूशन को यूज़ करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है जी CIF। CIF रेजोल्यूशन क्या है ये देखें जी, आपकी ये वाली जो रेजोल्यूशन है ना जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये CIF है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड एक CIF है। इसी से हम लोग क्वार्टर करते हैं, इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं या 4 करते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ये डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है, आप ये कह लें। ठीक है, ये क्वार्टर होती है D1 की, सही बात है, इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूँ तो ये मेरे पास रेजोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, और ये डिवाइड बाय 4 ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है डिवाइड बाय 2 और ये डिवाइड बाय 2, ये इसको 42 ना समझेगा, ये इस तरह से, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 4 टाइम देगा। ठीक है, तो ये वाली रेजोल्यूशन आ जाएगी आपके पास। ये क्या होती है, ये रेजोल्यूशन जो है ना ये मिड लेवल की स्टैंड अलोन या आप मिड लेवल की रेजोल्यूशन कहलाती है, और अगर आपके पास कोई हायर एंड सिस्टम है, ठीक है, एंड सिस्टम के लिए जब ये आप रिमोट व्यूइंग कर रहे होते हैं ना, जब रिमोटली बैठ के एक्सेस करें तो फिर आप इस रेजोल्यूशन को यूज़ करते हो। ये मेनली हम लोग जो है ना उसमें भी यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को एक स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग मैट्रिक्स बनवाते हैं ना, 3x3 का, 4x4 का या 9x9 का, तो फिर हम लोग यही रेजोल्यूशन भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2CIF अगर आपने थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा इमेज देखना हो तो 2CIF यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है वो बढ़ गई, ये वाली चीज़ देखें, और बाकी दूसरी वाली सेम ही है। ठीक है, मगर जब आप 4CIF की बात करते हो, इसकी बात करते हो, तो फिर इसके अंदर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होती है और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो फिर ये D1, और ये जो क्वालिटी होती है ना ये आपकी DVD क्वालिटी के बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी DVD क्वालिटी के बराबर होती है, तो DVD क्वालिटी इज़ नॉट अ बैड क्वालिटी, वो भी अच्छी क्वालिटी है, और कुछ सिनेरियोस के अंदर जो है ना आपकी DVD क्वालिटी काम आती है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसा मेगापिक्सल कैमरा यूज़ कर रहे हो जो कि 1.3 मेगापिक्सल कैमरा है, और मगर उसके आगे लेंस अच्छा नहीं है, उसके फीचर अच्छे नहीं है, उसके अंदर नॉइज़ आ रही है, उसके सेंसर की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, वो हाई सेंसिटिव नहीं है, तो उससे बहुत बेहतर है आप ये एनालॉग यूज़ कर लो। ठीक है, D1। अब ये आपको समझ में आ गई टाइप्स ऑफ डिजिटल रेजोल्यूशन क्या होती हैं। जब आप 4CIF, ये रिकॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, रिकॉर्डर की मैक्सिमम रेजोल्यूशन वो 4CIF है, जो कि 704x576 है। ठीक है, इस 704 को जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं ना, हम लोग एनालॉग रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं TVL में, हम लोग किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो इधर से भी हमने हॉरिजॉन्टल को उठाना है, हमने वर्टिकल का तो कोई काम ही नहीं होता, हमें पता है वो तो कैप डेप फिक्स्ड है। ठीक है ना, 576 ये पिक्सल्स हैं, ये लाइंस नहीं है, ये पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब 704 को मैं अगर कन्वर्ट करूँ लाइंस में, तो मेरा मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैमरे की रेजोल्यूशन होगी ना, जो 704 को कन्वर्ट करने के बाद आएगी, उससे ज़्यादा का अगर आप कैमरा लगा रहे हैं तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये DVR रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हमें कैमरा चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग DVR की रेजोल्यूशन चेक करते हैं, और DVR की मैक्सिमम यही रेजोल्यूशन है। इसको जब हम वापस कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें पता चला भाई ये तो इससे ज़्यादा का कैमरा लगाएं भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो टोटली वेस्टेज है, सही है ना, और हमें इतनी ही मिलेगी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो रिकॉर्ड इतनों को करेगा, आप डायरेक्ट डिस्प्ले करके देखना चाहें तो कैमरे की, तो फिर वो एक अलग बात है कि डायरेक्ट डिस्प्ले पे लगा दिया, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है सर्वेलियंस का। ठीक है, तो ये भी मेरा, मुझे होपफुली उम्मीद है, ये देख रहे हैं VGA आ गई, फिर उसके बाद 720p, 720p क्या है और 1080p, ये आपको लेक्चर की आखिरी स्लाइड में जाके मिलेगी इन्फॉर्मेशन, मगर आप ये समझ लें 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल अप्रॉक्सीमेट ये होती है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलती चली जाती है, 3, 5, 8, 7, 9 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। एक्सपेक्ट रेशो जी, एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है, ये एक ऐसा रेशो होता है जो आपकी
विड्थ और हाइट के दरमियान का जो रेशो होता है ना, वो एक्सपेक्ट रेशो कहलाता है। ठीक है, जब हम 3:2, दो ही तरह के एक्सपेक्ट रेशो होते हैं, एक 3:4 होता है, एक 16:9 होता है। ठीक है, 3:4 वो क्या होता है, वो एनालॉग में भी यूज़ हो सकता है, डिजिटल में भी यूज़ हो सकता है, लाइक आपका जो मॉनिटर है, टीवी है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये देख लें, जो आप अगर कोई बंदा इस वक्त मेरा लेक्चर जो है ना डेस्कटॉप मॉनिटर पे देख रहा है, तो वो उसका 4:3 है, जिसके अंदर रेक्टेंगल इतना ज़्यादा वाजे ना हो, लाइक 16:9 में। आप ये दोनों देख सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे मैंने जो नीचे डायग्राम्स लगाई हुई है ना, ये मैंने इसलिए लगाई हुई है, ये देखें, ये 4:3 है, मगर ये जो है ना, ये 16:9 है। ये देख रहे हैं, इसकी क्लियर आपको रेक्टेंगल की शेप नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये देख, ये रेक्टेंगल की क्लियर शेप नज़र आ रही है, मगर ये आपको सम सॉर्ट ऑफ स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, मगर ये होगा नहीं, सही है ना। तो ये होता है 4:3। ठीक है, 4:3। तो ये देख लें, दो तरह के एस्पेक्ट रेशियोज होते हैं, 3:4 और 16:9, या आप इसको 4:3 या 16:9 कहते हैं। ठीक है, इसने थोड़ा सा उलट लिख दिया है, मगर हम लोग 4:3 की बात करते हैं। 4 इसकी विड्थ होती है, 3 इसकी हाइट होती है, सेम इसी तरीके से जैसे 16 उसकी विड्थ हो गई और 9 उसकी हाइट हो गई। ठीक है, 16:9 किस लिए यूज़ होती है, ये बेसिकली जब आप हाई डेफिनेशन टेलीविज़न की बात करते हो ना, HDTV की, जब आप हाई डेफिनेशन या डिजिटल रेजोल्यूशन की बात करते हो, या आप प्लाज्मा की बात करते हो, LCD की बात करते हो, ठीक है, तो आप 16:9 फॉर्मेट की बात करते हो। आप होम स्क्रीन की बात करते हो, आपने देखी होगी होम स्क्रीन किस तरह की होती है, वो बिल्कुल ही आप अगर आपने देखा होगा, एक होम ऑल इन वन आती है, जिसके अंदर वो पांच चीज़ें साथ होती हैं, वो वीडियो स्क्रीन टाइप की होती है, वो भी आपकी 16:9 है। ठीक है, अब देखें ये जो है एक्सपेक्ट रेशोज, इसका क्या है, 16:9 और 4:3, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहीं पे आपको लगे हाथ बता दूं, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन ये कि क्या 4:3 की चीज़ 16:9 पे देख सकते हैं, या 16:9 की चीज़ 4:3 पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के बॉक्सेस होते हैं, एक पिलर बॉक्स कहलाती है, एक लेटर बॉक्स कहलाती है। ठीक है, पिलर बॉक्स क्या होती है, जब कभी भी आप 4:3 की चीज़ को 16:9 पे देखेंगे, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आई है, ये भी चीज़ एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, क्यों 16:9 इस तरह का होता है, ठीक है, इसको आप आगे करें, तो ये चीज़ आपकी पिलर बॉक्सेस होते हैं, यानी इसने पिलर ऐड कर दी। ठीक है, ये पिलर ऐड कर दिए, तो ये इस तरह का इमेज आ जाएगा, इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब हम 4:3 की मैं बात करूँ, आप ये कह लें कि जब मैं 16:9 की बात करता हूँ, कि कोई ऐसा इमेज जो मेरे पास 16:9 का है, और जब मैं इसको इसमें बात करूँगा लेटर बॉक्स में, तो क्या होगा, जब मैं 4:3 में देखना चाहूँगा तो क्या होगा, लेटर बॉक्स ऐड होगा। लेटर बॉक्स में क्या होता है कि देख रहे हैं, जब 16 ये होता है 4:3 इस तरह का, और 16:9 इस तरह का होता है। ठीक है, 4:3 को जब आप इसमें देखेंगे, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी, पिलर ऐड हो जाएंगी, और जब इस वाली चीज़ को आप इसमें देखेंगे, तो फिर ये चीज़ ऐड हो जाएगी। और वो देखें, यही हुई है, ये देखें, जब हमने इसको उठा के इसमें देखा, तो इसकी ये चीज़ ऐड हो गई, ये और ये, ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग लेटर बॉक्स कहते हैं। तो ऐसी है, सच कोई बात नहीं होती, आप देख सकते हैं, बाज इन सम कुछ सिनेरियोज के अंदर क्या होता है, पिक्चर भी स्ट्रैच हो जाती है, जिसके अंदर अगर आप बॉक्सिंग ना करें ना, तो ये वाली बॉक्सिंग नहीं है मारदाड़ वाली, ये पिलर और लेटर बॉक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पिलर बॉक्स और लेटर बॉक्स को ऐड ना करवाएं, तो फिर आपकी पिक्चर के ऊपर भी असरअंदाज होती है वो चीज़। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द TVL एंड द पिक्सल्स, यहाँ अगर आपको टू एक्सपेक्ट रेशो समझ में आ गया ना, तो अब आपको कन्वर्जन में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं ना, या जब हम लोग एक्सपेक्ट रेशो की बात करते हैं, तो हम लोग डिजिटल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब 4:3 या 16:9 विड्थ की, विड्थ और हाइट है पिक्सल्स। ठीक है, अब देखें होगा क्या। ठीक है जी, कन्वर्जन, अब मेरे पास अगर पिक्सल्स हैं और मुझे TVL में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सपोज़ करें मेरे पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स इस तरह से आए हुए, 100 × 60। ठीक है, 100 क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन हो गई, 60 क्या हो गई, वर्टिकल रेजोल्यूशन हो गई। मगर हम लोग कैमरे की दुनिया में जब हम एनालॉग की बात करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइन्स की,
तो यहाँ से आपने वर्टिकल लाइंस नहीं उठानी, आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन ही उठानी है जो नंबर ऑफ पिक्सल से बन रही है, वो क्या है, वो 100 है, ठीक है। वो आपके पास कितनी आ गई, आपके पास आ गई 100, ये 100 आपकी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है, और 60 क्या है, ये आपके पास वर्टिकल रेजोल्यूशन है। अब देखें इस आपने 100 को मल्टीप्ल, अब देखें पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ ना यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ आए। 4:3, 4 क्या चीज़ थी, सॉरी 4 क्या चीज़ थी आपकी, ये थी फिफ्थ, ठीक है। और जब आप बात कर रहे थे 3 की, तो 3 क्या थी आपके पास, वो थी हाइट। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी मैं कोई भी चीज़ हाइट में देखूंगा तो वो मुझे कितनी मिलेगी, 0.75 मिलेगी 1 के मुकाबले में। अगर ये 4 है, इसको सपोज़ कर लें 1, तो मुझे इसके कितने मिल रही है, 3 में मिल रही है। तो इसका मतलब 3:4 का मतलब 0.75 मिलेगी मुझे, 4 टोटल है ना, ठीक है, तो मुझे 0.75 मिलेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की मतलब वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, या आप ये कर सकते हैं कि 100 को आपने सिंपल 0.75 से मल्टीप्लाई, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं इसको जो है ना दोबारा मिटा के मैं बनाता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये सिंपल यहाँ पे देखें, आप ये भी कर सकते हैं और 100 को आप उठाएं और मल्टीप्लाई करा लें 0.75 से, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 75 TVL, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल आपको कितनी मिलती है, 4 के मुकाबले में 3, तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 गया आपने, 0.75 आया, या तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 करा के डिवाइड बाय 4 करा लें, या 0.75 से मल्टीप्लाई करवा लें। अब मेरे पास ये तो आ गया, मेरे पास टी वी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब हम लोग बात कर रहे थे ना यहीं पे, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 0704 × 480 था, या कोई भी रेजोल्यूशन है आपके पास, 704 आपकी DVR की हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। 704 एक और रेजोल्यूशन होती है जो 720 करके होती है, वो बस हाईएस्ट होती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है, इसको आप उठाएं और सॉरी सॉरी इसको आप उठाएं और अगर आप इसको कन्वर्ट करें ना, तो क्या होगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 540 एक वैल्यू आ जाएगी, 540 TVL। तो आपका अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास कितने TVL का कैमरा हो मैक्सिमम जो हमारा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सकता है, वो 540 TVL का। अब कोई बंदा 600 TVL का लगा देता है तो वो सारी रेजोल्यूशन आगे की वेस्ट हो जाएगी, अगर कोई 700 की लगा देता है तो फिर भी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या रीज़न है कि अगर कभी भी आपके पास इस डाटा शीट आए और आप ये देखें कि यार ये तो 540 TVL से ज़्यादा बता रहा है, ये क्या चक्कर है, तो 540 TVL कैमरे की मैक्सिमम रेजोल्यूशन हो सकती है जो एक रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा दिखा रहा है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो मगर ऐसी क्या, अगर कभी भी आपके हाथ में डाटा शीट आती है और आप देखते हैं यार इसके अंदर तो 540 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि डाटा शीट आप देखेंगे आपको एक ही रेजोल्यूशन दी हुई होगी, अगर एनालॉग कैमरा है वो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। उसके दो रीजंस हो सकते हैं, अगर आपने बड़ी कभी देख लिया कि यार 540 से ज़्यादा TVL का कैमरा बता रहा है तो क्या फ़ायदा मुझे, मैं 540 का ना लगा लूँ, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि वो हो सकता है उसने नंबर ऑफ पिक्सल्स में दिया हुआ और आपको TVL समझें आप, ठीक है, उसने 704 या 720 की वैल्यू दी हुई हो और उसने पिक्सल्स की बात की हो, मगर आपने कहा नहीं यार ये तो TVL में समझ बैठा था, एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप ये चेक करते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई ये तो 704 TVL ही दिया हुआ है, या 720 TVL या 700 TVL ही दिया हुआ है, तो दूसरी ये दूसरा उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो उसने इतनी ज़्यादा TVL की वैल्यू दी हुई है ना, वो उस कैमरे के सेंसर की वैल्यू दी है, उस सेंसर की रेजोल्यूशन की वैल्यू दी है, उसने वो वाली वैल्यू नहीं दी जो एक्सट्रैक्ट होकर आपका DVR दिखाएगा, ठीक है। वो जैसे ही उसने कोएक्सियल केबल के ऊपर जाना है ना और रिकॉर्डर के पास रिसीव होनी है, रिकॉर्डर ने फिर अपना काम ही कन्वर्जन करके जो है ना उसने 540 इक्विवेलेंट वाली में दे देनी है, लाइक 704 में, तो आपके पास जो रिकॉर्डेड जब आपके पास फुटेज आएगी तो वो 540 TVL की इक्विवेलेंट आएगी, वो 700 TVL की इक्विवेलेंट नहीं आएगी। हाँ, आपको ये 700 TVL किस वक्त फ़ायदा दे सकता है, आप उठाएं उसको एक्सियल केबल को डायरेक्ट आप व्यूइंग डिवाइस में डालें, रिकॉर्डिंग में नहीं, व्यूइंग डिवाइस में डालें, आप देखेंगे हाँ जी, और आपका जो रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर था, मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर की रेजोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो हो 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल या इस तरह से, तो आप 700 TVL को इक्विवेलेंट कर लें, जो भी बन रही है वो आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़,
अगर मेरे पास टीवीएल हो, अभी तक तो हमें ये पता था ना कि अगर मेरे पास टीवीएल हो तो फिर क्या होगा। सॉरी मैं इसको ज़रा मिटा लूँ। तो अगर मेरे पास टीवीएल हो, टीवीएल की वैल्यू हो, तो फिर क्या होगा अगर मुझे टीवीएल से पिक्सल्स में करना हो। ठीक है, तो ये सिस्टम होगा, उसका अपोजिट कर लें आप। पहले आपने 3/4 से मल्टीप्लाई कराया था, इस दफ़ा 4/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ लाइंस जो है ना इस दफ़ा 540 है, ठीक है, तो अगर मैं 540 की मैं बात करता हूँ, तो पहले मैंने आपको क्या कराया था कि 100 को आपने मल्टीप्लाई बाय 3/4 से कराया था ना, तो इस दफ़ा आप इसको 4/3 से करा दें, तो आपके सामने 720 पिक्सल आ जाएंगे। आपके सामने क्या आ जाएंगे जी, 720 पिक्सल आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी कन्वर्जन थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आपको पिक्सल से टीवीएल में, टीवीएल से पिक्सल में भी कन्वर्ट करना आ गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर कभी भी हमें NTSC से पैल की कन्वर्जन, अगर कोई भी चीज़, क्या NTSC की चीज़ पैल पे चल सकती है और पैल की चीज़ NTSC पे चल सकती है। पिछले लेक्चर में भी इसका जिक्र आया था, तो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई इसको रेकमेंड नहीं करता, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। क्यों जाती है, देखें, NTSC से जब आपने पैल में करना होगा, NTSC आपको पता है कितने फ्रेम्स लेता है, 30 फ्रेम्स लेता है, पैल 25 फ्रेम्स लेता है। NTSC के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 480 हैं, जबकि पैल के अंदर कितनी है, 576 हैं। अभी आप लोग परेशान हो गए होंगे, यार वो तो हमने 525 और 625 पढ़ी नहीं, तो फिर मैंने बताया ना 42 लाइन्स आपने माइनस की है रिट्रेसिंग की। जो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लाइव है, ये नंबर ऑफ एक्टिव स्कैन लाइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, 42 माइनस की थी। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद तो भाई वो पीछे जाके देख ले, मैं अब रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, 480। अब देखें, अगर मुझे NTSC से पैल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या चीज़ होंगी, जाहिर सी बात है 480 लाइंस को मुझे अब कन्वर्ट करना पड़ेगा 576 लाइंस में। ठीक है, उसके अलावा साइमल्टेनियसली मुझे 30 फ्रेम्स को जो है ना मुझे डाउन कन्वर्ट करके 25 फ्रेम्स में भी लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, दो तरह की रेजोल्यूशन होती हैं जिसका मैंने यहाँ पे जो है ना, अभी देख लें, बस ये बात निकले तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज़ होती है टेम्पोरल और एक चीज़ होती है जी स्पेशियल। ठीक है, अगर मैं इस, ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये दोनों जो है ना रेजोल्यूशन है, ये भी रेजोल्यूशन है। ठीक है, स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होती है और टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, देखें जी, जब हम लोग फ्रेम्स ऐड करवाते हैं ना, मतलब अगर 25 से 30 आप करवा रहे हैं, ठीक है, तो या आप बस जब आप फ्रेम्स को ऐड करवाते हैं ना, 1 सेकंड के अंदर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स की तादाद को बढ़ाते हैं ना, वो टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहलाती है। सही है, वो कौन सी रेजोल्यूशन कहलाती है, वो नंबर ऑफ फ्रेम्स को जब आप ऐड करवाते हैं ना, वो टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहलाती है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कहलाती है जी, ये अगर आप कभी लाइंस की एडिशन करवाएं ना 1 सेकंड के अंदर, तो फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाती है, यानी नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस की अगर आप एडिशन करवाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, ये मेरे ख्याल है कुछ जो है ना, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ लाइंस की अगर हम लोग एडिशन करवाते हैं तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, और टेम्पोरल की बात कराते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लें कि जो है कन्वर्जन जो होती है ना NTSC से पहल की, वो क्या करते हैं, वो आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करती है, यानी विजिबल आर्टिफैक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, हिंड्रेंसेस नज़र आ रही होती है ड्यूरिंग कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, फ्रेम रेट जो है ना वो लॉस होता है, तो इसका मतलब भी टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो गई। ठीक है, अब अगर आप पैल से NTSC की बात करते हैं, दोनों चीज़ें उलट हो गई, 576 लाइन से मुझे 480 करना पड़ेगा और 25 से मुझे 5 फ्रेम्स ऐड कराने पड़ेंगे, जो 25 से 30 होगी, और रिजल्टेंट इमेज जो है ना वो लेस होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई, नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई तो इसका मतलब है कि जो है ना वो रेजोल्यूशन ही कम हो गई। ठीक है ना, तो लेस इमेज क्वालिटी होगी देन द एक्चुअल, और 566 से आपने 480 लाइन करा ली, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक
ठीक है, या स्पेटियल रेजोल्यूशन, आप स्पेशल रेजोल्यूशन कह लें, कुछ भी कह लें, जो पहल की स्पीड होती है ना वो 4% ज़्यादा होती है वैसे NTSC से, मगर ये हमारी आँख जो है ना इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी, आपको कन्वर्जन समझ में आ गई NTSC से पहल, और पहल की NTSC से अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको ये भी बता दिया, कन्वर्ट करना चाहें कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब एक और चीज़, मेजरिंग ऑफ रेजोल्यूशन, मेजरिंग ऑफ रेजोल्यूशन, हम लोग ये जो रेजोल्यूशन है ना एनालॉग की, वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर कभी भी मैं आपको कहूँ कि आपके पास ये रेजोल्यूशन आपने मेजर करनी है एनालॉग की, तो आप लोग उस TVL को कैसे मेजर कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक रेजोल्यूशन चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, इसके अंदर वेज लाइंस मौजूद होती हैं, ये वेज लाइंस क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी लाइंस होती हैं, तो जब वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, और वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं तो फिर वर्टिकल रेजोल्यूशन, और वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, ये दोनों रेजोल्यूशन आप इस रेजोल्यूशन चार्ट से पता कर सकते हैं। मेरे ख्याल है ये आपको याद आ गया होगा, जब पाकिस्तान के अंदर क्या होता था, जब PTV देखा करते थे ना, तो उसमें ये होता था कि 12 बजे के ठीक 12 बजे नेशनल एंथम आता था, उसके बाद ये चार्ट डिस्प्ले हो जाता था, इसका मतलब होता था अब कुछ नहीं आएगा TV में, सारे TV बंद करते थे और जाके सो जाते थे। ठीक है, तो वो चीज़ आज देख लें कि काम आ रही है आपके, अगर उस वक्त PTV ना दिखाता तो आप लोग आज हैरान हो रहे होते। ठीक है, तो ये देख लें, ये रेजोल्यूशन चार्ट होता है, इसके अंदर जो है ना बेसिकली ये लाइंस होती हैं जो वेज लाइंस कहलाती हैं, और वो लाइंस क्या हैं वो ये देख लें, ये जो लाइंस है ना ये वाली, ये वर्टिकल लाइंस हैं, इसका मतलब ये हो गई हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। ठीक है, और ये वाली देख रहे हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपकी हो गई वर्टिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, आप इस तरीके से मेजर करते हो, आप क्या करते हो कि वो पिक्चर को उठा के यहाँ पे रखते हो और आप फिर उससे इससे मेजर करते हो, इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सोच लें कि ये आपका काम नहीं होता, ये मैन्युफैक्चरर का काम होता है। जिस तरीके से सिस्को के राउटर के अंदर अगर कोई मसला आ जाए तो सिस्को ये रेकमेंड नहीं करता कि आप उसका राउटर खोलें। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई रेजोल्यूशन चार्ट होती है तो फिर ये मैन्युफैक्चरर ही है जो क्रिएट करके वो बताता है आपको कि भाई मेरा 700 TVL का है, मेरे पास 650 TVL है, मेरे पास 400 TVL है, वो सारा इसी रेजोल्यूशन चार्ट से क्रिएट करके बताते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ जाए तो आप ये भाई रेजोल्यूशन चार्ट लो, आप भी इसके ऊपर देखो, यूट्यूब करो, गूगल जाओ, यूट्यूब पे देखो किस तरीके से मेजर किया जाता है, आप भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बैंडविड्थ मेथड, अगर मिसाल के तौर पे ऑसिलोस्कोप का नाम सुना होगा भाई, ऑसिलोस्कोप जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता है उन्होंने तो ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स वगैरह इस सब पे काम करा होगा। ठीक है, मुझे बहुत मुश्किल लगता था ऑसिलोस्कोप के ऊपर काम करना, बहुत मुश्किल था भाई, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते थे, मगर यहाँ पे सिर्फ डरने घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑसिलोस्कोप का ये है कि जो आपकी बैंडविड्थ होती है ना, 1 MHz जो है, 1 MHz वो जो है ना 80 lines को ले जाने की सलाहियत रखती है। सही है ना, 1 MHz 80 lines को, मैक्सिमम 80 lines को सपोर्ट करती है। तो अगर आपके पास किसी भी कैमरे की, अगर आपके पास मैं बैंडविड्थ दे दूं कि 4 MHz पे ये काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 80 × 4 = 32, 320 TVL, आपने उसी टाइम ही जो है ना उसका TVL निकाल लिया, सिंपली आपने बस बैंडविड्थ को उठाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है 80 से और आपकी TVL आ जाएगी, कोई मसले की बात नहीं। ये दो मेथड्स यूजुअली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो डाटा शीट के अंदर अक्सर बेशतर बैंडविड्थ भी लिखी भी होती है कि यार इतनी बैंडविड्थ पे जो है ना काम करेगा जी, 5 हो 5 तो 4400 TVL। ठीक है, VGA रेजोल्यूशन, ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम VGA रेजोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा नहीं रहता रेजोल्यूशन, बस सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है, वो जो है ना VGA का है, बल्कि चले मैं लगे हाथ दे ही देता हूँ ताकि ख़त्म ही हो जाए टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें। ठीक है, तो VGA रेजोल्यूशन क्या होती है, VGA रेजोल्यूशन याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन होती है ना, हर चीज़ की अलग अलग रेजोल्यूशन है। कैमरे की रेजोल्यूशन क्या है, TVL है, डिजिटल रिकॉर्डर की रेजोल्यूशन क्या है, वो पिक्सल्स है। इसी तरीके से ये जो आप VGA वगैरह के नाम सुनते हैं ना, VGA, XVGA, UVGA, जब आप अपने कंप्यूटर की रेजोल्यूशन को ओपन करके देखेंगे ना, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप रेजोल्यूशन वगैरह देखें, तो आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी, मल्टीपल ऑफ VGA, VGA, SVGA, XVGA, 4XVGA, इस तरह से नज़र आ रही होगी। वो जो रेजोल्यूशन होती है ना, वो आपके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन होती है। बेसिकली ये जो VGA है ना, ये कंप्यूटर की रेजोल्यूशन है। ठीक है, इसको किसने निकाला, ये बेसिकली आप ये समझ लें, ये जो
वीजीए जो है ना, वीडियोग्राफिक एरे का स्टैंड फॉर है, और ये जो है ना आपके पीसीज की रेजोल्यूशन होती है जिसको आईबीएम ने डेवलप किया, ठीक है। 640x480 पिक्सल जो है ना आपकी वीजीए के बराबर होती है। ये जो अक्सर आप अपने मोबाइल के कैमरा को कहते हैं ना, यार ये वीजीए रेजोल्यूशन है, वीजीए रेजोल्यूशन है, यार ये तो बड़ा ही बेकार है। तो क्यों बेकार लगते हैं आपको? इस वजह से लगती है क्योंकि आपके जो नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो आ रही है ना वीजीए के बाद, वो मेगा पिक्सल की रेजोल्यूशन आ रही है। तो इस वजह से आपको लगता है यार ये वीजीए। तो जब आप खुद सपोज करें, जब कैमरा नहीं होता था, जब आपके पास नया नया वीजीए आया था, तो आप खुद कहते थे यार क्या ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है इसकी, ठीक है। तो जैसे जैसे तरक्की होती जाती है ना, पुरानी चीज़ों को लोग जो है ना कोसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मगर ये स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स द मेगा पिक्सल, तो हम इसको भी बुरा भला नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो वीजीए होता है ना, ये नॉन मेगा पिक्सल होता है। अभी मैंने आपको एक वो रुपया वाली मिसाल दी थी, ठीक है। तो आप 640x480 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय मेगा से, 1 मेगा से डिवाइड करवा दें, आपके पास जो है ना वो आ जाएगी, मेगा पिक्सल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो 640x480 ये नॉन मेगा पिक्सल नेटवर्क कैमराज हैं, ठीक है। वीजीए रेजोल्यूशन जो है ना बेटरली सूट होती है नेटवर्क कैमराज के लिए, ये सूट कर रही होती है। उसकी एक और वजह ये है कि जो आपका जो डीवीआर है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डीवीआर है ना, वो जब आपके रेजोल्यूशन को कन्वर्ट करता है ना टीवीएल से पिक्सल्स में, तो उसकी जो पिक्सल्स का जो शेप होती है ना, वो स्क्वायर नहीं होती। आपके कंप्यूटर की, आपके अदर नेटवर्क प्रोडक्ट्स की जो पिक्सल्स की शेप होती है ना, वो स्क्वायर इन शेप होती है। यही वजह है कि जब इंटरलेस्ड स्कैनिंग होती है, क्योंकि एनालॉग यूज़ करते हैं इंटरलेस्ड स्कैनिंग से, जब आपके डीवीआर और डीवीआर के बाद जब मॉनिटर के पास जाती है ना, तो मॉनिटर के अंदर एक मॉनिटर खुद से एक स्कैनिंग टेक्निक चलाता है, उसको हम कहते हैं डी इंटरलेसिंग टेक्निक, ठीक है। डी इंटरलेसिंग टेक्निक, इसका मैं आगे जिक्र करूंगा। मैंने आपको जैसे बताया था इंटरपोलेशन होती है और ब्लेंडिंग, दो टेक्निक्स होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। अगर नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वैसे भी ना भी पता हो तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये मॉनिटर खुद से कर रहा था। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं मॉनिटर के जो आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं, आपको इससे भी कोई कंसर्न नहीं है, सीआरटी कैसे काम कर रही होती है, और ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मेरे ख्याल है इनफ डिटेल है, बल्कि मोर देन इनफ डिटेल है, ठीक है। तो वीजीए रेजोल्यूशन जो है ना, आपको पता चल गया कंप्यूटर की रेजोल्यूशन होती है, और कंप्यूटर जो रेजोल्यूशन को हैंडल करता है ना, वो यही होती हैं, क्यू वीजीए, एस वीजीए, एक्स वीजीए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वीजीए रेजोल्यूशन समझ में आ गई, ये देख लीजिए वीजीए रेजोल्यूशन इस तरह की होती है, कंप्यूटर रेजोल्यूशन को कहते हैं, आईबीएम ने इसको डेवलप की थी, ठीक है। मेगा पिक्सल रेजोल्यूशन, मेगा पिक्सल रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास मेगा पिक्सल सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारे इमेज डिलीवर करेगा। इसका मतलब ये होगा उस इमेज के अंदर 1 मिलियन या उससे ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे सेंसर के, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसकी फाइन, यानी पिक्चर की फाइन डिटेल को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और जब फाइन डिटेल ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज की क्वालिटी है वो हायर होगी, ठीक है। ये जो मेगा पिक्सल है ना, हम लोग को क्या आखिर ज़रूरत पड़ गई? हम लोग ने एनालॉग से खप मचा दी, हम लोग वो डिजिटल में आ गए, डिजिटल के अंदर आज भी हम लोग लगे हुए, और ज़्यादा मेगा पिक्सल आ जाए, क्योंकि आपकी जो सीसीटीवी सर्वेलियंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो एम है, वो क्या है बताए आप लोग? जिसको याद आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया बड़े अफसोस की बात है। मेन एम क्या है आपका सीसीटीवी लगाने का? आइडेंटिफिकेशन है। अगर आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पा रहे आप, किसी भी चीज़ को डिटेक्शन नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफिकेशन और एमसी डोरी का कॉन्सेप्ट अगर आप अटेन नहीं कर पा रहे, तो उठाएं और उस सीसीटीवी सिस्टम को फेंक दें, ठीक है। तो हमारे मेगापिक्सल जब हम लोग लगाते हैं ना, तो हम लोग के पास ये कैपेबिलिटी होती है इस मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के पास, कि वो डिटेल को ज़्यादा देख सकता है, वो आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, वो जो है ना फेशियल रिकग्निशन कर सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कैश काउंटर्स वगैरह को डील कर सकता है, इवन नोट्स नज़र आ सकते हैं कि जो है ना दो बंदों के दरमियान कौन सी नोट जो है ना, कौन सी करेंसी एक्सचेंज हुई है, ठीक है। तो हम लोग जो मिनिमम जो रेजोल्यूशन आती है मेगा पिक्सल में, वो 1.3 मेगा पिक्सल से शुरू होती है और सेवरल मेगा पिक्सल तक जाती है, 2 मेगा पिक्सल, 3 मेगा पिक्सल, ठीक है। तो मेगा पिक्सल की जब हम बात करते हैं, तो एस्पेक्ट रेशो का भी जिक्र आता है। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? ये रेशो होता है विड्थ और हाइट के दरमियान, ठीक है। जो कन्वेंशनल टीवी मॉनिटर डिस्प्लेज होते हैं ना, उनका एस्पेक्ट रेशो 4:3 होता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। 16:9 भी हो सकता है, मगर वो एलसीडीज वगैरह का होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ये एस्पेक्ट रेशो दो ही तरह के क्यों आए? और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये देखें,
4:3 और 16:9 में आके डिफरेंस क्या है? जो 4:3 है ना, बल्कि 16:9 जो है ना, हम लोग ने ये देखना है 4:3 16:9 ही क्यों आए, ये 18:9 क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 का स्क्वायर करें 16, 3 का स्क्वायर करें 9, उसकी डबलिंग हुई है, उसकी स्क्वायरिंग हुई है, ठीक है? तो 16:9 भी पता चल गया आपको, इसका रीज़न क्या है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह उठाया और 16:9 बना दिया, नहीं, इसकी स्क्वायरिंग हुई, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16:9 हो गया। असल में 16:9 बनाने का मकसद ये हुआ कि वो 3:4 की तरह ना अनवांटेड डिटेल्स नहीं दिखाता, वो क्या करता है 16:9 क्या करता है, वो अपर और लोअर बाउंड्रीज़ को काट देता है जो कि अनवांटेड डिटेल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक रूम को देख रहे हैं तो फिर आप उसकी छत से आपको कोई काम नहीं है, उसकी ज़मीन से आपको कोई काम नहीं है, आपको सेंटर एरिया से जहाँ पे वर्किंग हो रही है, जहाँ पे कुछ हो रहा है, वो आपको काम होता है। तो फिर ये क्या करता है, ये अपर और लोअर की जो है ना लिमिट्स को ख़त्म कर देता है 16:9। यही वजह है कि 16:9 जो है ना रिकमेंडेड है, ठीक है? जब आपने डिटेल ज़्यादा देखनी होती है तो फिर आप क्या करते हैं, वीजीए रेजोल्यूशन और मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, ठीक है? तो फिर आप एक्सपेक्ट रेशो 16:9 को यूज़ करते हैं, ठीक है? अनइम्पॉर्टेंट डिटेल को 16:9 रिमूव कर देता है, यानी अपर और लोअर पार्ट को जो है ना हटा देता है इमेज से, जिसकी वजह से क्या होता है, आप हटा तो दिया, उसकी वजह से एक और हमें एडवांटेज होता है कि हमारी बैंडविड्थ कम हो जाती है, हमारी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी? हाई डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ सही है मेगापिक्सल का, ये भी एडवांटेज है जी, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब हम मेगापिक्सल बढ़ाते चले जाते हैं ना, 1.3 से 2, 3, 4, 5 मेगापिक्सल करते हैं, तो एरिया भी बढ़ता चला जाता है। सिर्फ पिक्सल का साइज़ ही कम नहीं होता बल्कि एरिया भी बढ़ता चला जाता है। 1.3 के अंदर अगर 1.3 मिलियन है पिक्सल्स हैं, तो 3 के अंदर 3 मिलियन पिक्सल्स हैं, तो आप खुद देख लें कि एरिया कितना बड़ा हो जाएगा। देखें अब आप HDTV, और मेरा ख्याल है जी ये लास्ट टॉपिक आ गया है, बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक आ गया है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि लास्ट टॉपिक आ गया और माशाल्लाह रेजोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि हो ही गया है कंप्लीट। HDTV क्या है जी? हाई डेफिनेशन टेलीविज़न है। HDTV का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, ये भी ऑफकोर्स डिजिटल है, IP बेस्ड है, ठीक है? दो स्टैंडर्ड्स थे, SMPTE, एक सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन इंजीनियर्स ने एक सोसाइटी बनाई, उन्होंने दो स्टैंडर्ड्स निकाले, उन्होंने कहा कि यार एक मेगापिक्सल का कैमरा 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 जितने भी मेगापिक्सल के कैमराज हैं, हम लोग एक और जो है ना स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, एक और स्टैंडर्ड बनाते हैं जो कि जिसको हम नाम देंगे हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, ठीक है? हाई डेफिनेशन टेलीविज़न के अंदर क्या है कि आप ये कह लें कि इसके अंदर डिटेल्स जो है ना वो ज़्यादा हैं, और भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल्स ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात, HDTV के जो है ना दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक SMPTE, ये तो जो सोसाइटी है वो तो आएगा ही आएगा, 296M और 274M, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग 720p और 1080p या /i कहते हैं। 720p क्या है? 720 प्रोग्रेसिव, और 1080p क्या है? प्रोग्रेसिव, और अगर आई आ जाएगा तो इंटरलेस्ड। तो 1080 में सिर्फ इंटरलेस्ड हो सकता है और प्रोग्रेसिव, 720 में सिर्फ पी ही होता है, आई नहीं होता, ठीक है? आई क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर आर्टिफैक्ट ज़्यादा आते हैं, वो लाइन की जो आप मैंने बताया ना ऑड और इवन के मिलाप से बनता है, तो फिर ऑड और इवन की सिंक नहीं हो पाती मोशन के अंदर इतनी अच्छी जितनी अंदर प्रोग्रेसिव के अंदर हो रही थी। क्यों? क्योंकि पूरी पूरी लाइन को करता है, इसीलिए हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स भी बनाए तो 1080 के अंदर आई लाएँ, 720p के अंदर नहीं लाएँ, ठीक है ना? क्योंकि उसके तो पिक्सल की तादाद वैसे ही कम है, तो उसके अंदर आर्टिफैक्ट ज़्यादा पता चलेंगे बनस्पत के 1080 के, ठीक है? खैर, SMPTE दो स्टैंडर्ड, 720p, 1080p। अभी ये रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 720 लिखा हुआ है, हालांकि ये सिर्फ 720 नहीं है, ये जो रेजोल्यूशन है ना, पहले डब्बा कीजिए, सही है ना, 720p है ना, ये इसके साथ होती है 1280x720 और 1080 के साथ होती है 1920, तो आपकी जो टोटल रेजोल्यूशन होती है ना वो इस तरीके से आ रही होती है, वो आती है जी आपके पास, एक मिनट मुझे ज़रा पेन पकड़ने में, ये आपके पास एक आती है जी एक मिनट रुको, मैं इसको मिटाता हूँ।
और मैं फिर लिखता हूँ सिंपल। आप ये समझ लें कि ये जो 1720 है ना, इसके साथ एक और रेजोल्यूशन भी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल होती है ना, ये वर्टिकल है ठीक है, और ये भी वर्टिकल है ठीक है, ये प्रोग्रेसिव बता रही है। क्योंकि जो वर्टिकल रेजोल्यूशन होती है ना वो हमें बताती है कि ये वो जो है ना इंटरलेस्ड है या प्रोग्रेसिव है। मैं अभी लिख नहीं रहा, आप वैसे ही समझ जाएँ कि ये जो है ना पी जो है ना ये प्रोग्रेसिव को शो करती है और आई जो है ना आपकी इंटरलेस्ड को। जो वर्टिकल रेजोल्यूशन होती है ना वो बेसिकली कॉम्बिनेशन से बनती है ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल लाइंस हाइट से बन रही होती है, वो बैंडविड्थ के ऊपर हो रही होती है। मगर ये जो आपकी है वर्टिकल रेजोल्यूशन, मतलब लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो आपकी जो है ना फिक्स्ड होती हैं, वो कैप्ड होती हैं स्टैंडर्ड से, तो फिर वो इसी में बनती है। पहले ऑड फील्ड्स फिर इवन फील्ड्स, वो इसी वर्टिकल से बनती हैं ठीक है। मगर खैर यहाँ पे आपका 720p दिया हुआ है और 1080p, आप सिंपल ये समझ लें कि 1720p की जब आप रेजोल्यूशन देखेंगे तो वो होती है 1260, आई थिंक 1260 इंटू 720p, तो 720 जब आ जाए तो आप समझ जाएँ ये HDTV है, और 1080p आ जाए तो आप समझ जाएँ कि ये, या 1080 देख लें या 720 देख लें तो आप समझ जाएँ कि जो है ना ये HD फॉर्मेट है। मगर एक और चीज़, ये नहीं कि आपने D1 की रेजोल्यूशन देख ली 720 इंटू, नहीं ये आनी चाहिए वर्टिकल में, वो हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैमरे की जब आप स्पेसिफिकेशन उठाएं और आप ये देखें कि जो है ना कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रेजोल्यूशन और ये मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के अंदर होगी ठीक है, जो कैमरा 1 से ज़्यादा हो, या ये 720p की जो बनती है ना वो 0.7 बनती है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 1 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होता मगर 0.7 0.8 का होता है, तो मगर इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है ठीक है। वो क्यों अच्छी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। HDTV की जो है ना जो कलर फिडेलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, 16:9 फॉर्मेट पर काम करता है ये बस ठीक है, 16:9 के ही अलावा ये अलावा काम नहीं करता ठीक है। और दो स्टैंडर्ड्स बनाए SMPTE ने, 296 और 274 ठीक है। अब देखें SMPTE 296 जो है ना, जो 720p है वो डिफाइन कर रही होती है रेजोल्यूशन को, कौन सी, 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 पिक्सल्स को ठीक है। उसकी कलर फिडेलिटी इसकी ज़्यादा होती है, 16:9 फॉर्मेट पे काम कर रहा होता है और ये प्रोग्रेसिव स्कैनिंग करता है, और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग किस पे करता है, 25 या 30 हर्ट्ज़ पे कर रहा होता है, जो कि आपका NTSC और PAL स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है, तो विच कन जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है 25 और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड को ठीक है, या आप ये कह लो 50 और 60 हर्ट्ज। जो SMPTE का दूसरा स्टैंडर्ड है 274, वो 1080 है, वो डिफाइन कर रहा था रेजोल्यूशन कौन सी, 1920 इंटू 1080। जब ये कभी भी आप ये दो रेजोल्यूशन देखेंगे तो आप समझेंगे ये HD फॉर्मेट है ठीक है। वो भी पिक्सल पे करता है, उसकी भी कलर फिडेलिटी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, 16:9 पे काम कर रहा होता है, मगर वो दोनों के साथ करता है, इंटरलेस से भी कर रहा होता है, प्रोग्रेसिव से भी कर रहा होता है, और उसका भी सेम वही है 25 और 30 जो है ना हर्ट्ज यूज़ करता है, या 50-60 हर्ट्ज आप कह लें ठीक है। अच्छा, ये जो HDTV के जो स्क्वायर जो पिक्सल्स का साइज़ होता है ना, या पिक्सल की जो शेप होती है ना वो भी स्क्वायर होती है, सिमिलर टू दी कंप्यूटर स्क्रीन। सो कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप जो है ना HDTV की उठा के कंप्यूटर पे दें ना तो कंप्यूटर बहुत आसानी से जो है ना उसकी रेजोल्यूशन को दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी भी पिक्सल की जो शेप है वो भी स्क्वायर है और HDTV की भी स्क्वायर है ठीक है। तो HDTV वीडियो जो है ना, जो भी नेटवर्क वीडियो प्रोडक्ट से आपको मिल रही है ना, वो HDTV पे भी आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड वीडियो कंप्यूटर मॉनिटर्स भी देख सकते हैं ठीक है। प्रोग्रेसिव स्कैनिंग की वजह से अगर HDTV दोनों ही प्रोग्रेसिव हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, कोई डी इंटरलेसिंग टेक्निक नहीं चलानी पड़ती ठीक है, जब भी वीडियो को प्रोसेस किया जाए किसी कंप्यूटर के ऊपर या डिस्प्ले किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ठीक है जी। तो उसके अलावा एक ये मैंने ऐसी एक पिक्चर लगाई हुई है, देखें 720x480, ये आपको पता है DVR की रेजोल्यूशन है और ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन है D1 की, तो ये देख रहे हैं ये कितना सा इमेज दिखाएगी, अगर एक पार्किंग एरिया में उसकी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसमें से कितनी गाड़ियाँ आएंगी, 4 और 5 6, ये 6 गाड़ियाँ आ रही होंगी बस। जबकि मैं अगर ये देख रहे हैं, अब देखें ये वाली रेजोल्यूशन 1920x1080, जैसे ही मैंने देखी ये वर्टिकल में 1080 नज़र आई और 1920 आ गई है, मैं समझ गया ये तो HD फॉर्मेट है क्योंकि 1080 है। तो ये देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया दिखा रही है, देखें कितना बड़ा पार्किंग एरिया। इसी तरीके से एक और आप ये भी चीज़ देख सकते हैं, 2 मेगापिक्सल का IP कैमरा एट 3 फुट डिस्टेंस पे, और इस तरह से एक CCTV कैमरा है जो 540 TVL का है, ये देख रहे हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन है, तो एक रेजोल्यूशन से क्या मतलब, ये हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन है, वेरी गुड, मतलब वर्टिकल लाइन है, और ये 3.6mm ये लेंस है, ये तो आपको पता है ये फिक्स लेंस है 3 फुट डिस्टेंस, दोनों ही कैमरे 3 फुट के डिस्टेंस पर हैं, और देखना है ये देखें 2 मेगापिक्सल की कवरेज देखें आप कैसे, ये देखें ये क्लियर नज़र आ रहा है
ठीक है, ये डब्बा यहाँ पर रखा हुआ, जबकि आप 540 TVL का देखें तो इसकी रेजोल्यूशन ऐसी है, तो रेजोल्यूशन में भी तो वाज़े फ़र्क है। ठीक है जी, ये HDTV का कॉन्सेप्ट था, HDTV से आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जी थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये होगा कि वीडियो क्वालिटी आखिर किन चीज़ों पे बेस करती है, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ द वीडियो क्वालिटी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेक्चर सुनिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चंस पूछिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आई एम हेयर टू आंसर ऑफ़ योर क्वेश्चंस। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।